गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर चीजिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर हम लोग करते हैं हिंदी MCQ का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको देते हैं हिंदी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन विद ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो उसमें जाके कर लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये होता है कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो इस बात में कोई राय नहीं है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दो राय होता है, बहुत सारे लोग इसे भी गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो बोए बीज बबूल के तो फूल कहाँ से दें, ये सुना होगा कहावत, तो वो वैसे ही है, इसी के ऊपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। ये सही होगा, मेरे मुझका मेरे कुछ नहीं होता, इस तरीके से मेरे ध्यान नहीं होता, मेरा ध्यान होगा। नेक्स्ट है, अब इसमें शुद्ध अशुद्ध बताना है। तो देखो, उज्ज्वल में आधा दोनों आधे जाते हैं, विद्यार्थी में इस तरीके से लिखा जाएगा। और एक दो चीज़ और ले लो, कवित्री और लिख लो, त्यौहार लिख लो, बहुत पूछे जाते हैं। और एक चीज़ लिख लो कि ये लिख लो, बारात, बरुक का बारात होता है ना, तो इस चीज़ से याद रखना। नेक्स्ट है बहिष्कार, बहिष्कार इस तरीके से लिखेंगे। और इसी के साथ क्या होता है, पुरस्कार। देखो छोटी ई आती है तो ये वाला शाह बनता है, और आ के बाद आता है ना तो ये वाला शाह बनता है। इन दोनों चीज़ों को याद रख लेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, पहले मेरे से भी हो जाती थी, मगर अब मेरे को जब से पता पड़ा ना कि ई के बाद ये वाला शाह बनता है और आ के बाद ये वाला शाह बनता है, इस चीज़ को याद रखो बस। ये ट्रिक ऐसे ही करने की, जो कठिनाई से भेजा जा सके उसे कहेंगे दुर्भेद, जो न भेदा जा सके उसे कहेंगे अभेद, और जो भेदा जा सके उसे कहेंगे भेद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे सीधा, मैं फल लेने गई थी बाजार में, भारी भरकम भीड़ थी। तो भारी भरकम कुछ नहीं होता, ठीक है, तो बी में गलती। नेक्स्ट है, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा विरक्ति, विलोम है ये। पवित्र का क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, मगर आप पवन में टिक करके चले जाओगे तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि ईजी क्वेश्चन के ना ऑप्शन टफ होते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर आपको जिस जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे ना कि इजी है, तो हमेशा उसका ऑप्शन चेक कर लेना एक बार, आप न जाने कितने नंबर बचा लोगे अपने। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो देवताओं के योग्य हो, देवताओं के योग्य होगा तो उसे कहेंगे दिव्य। क्या कहेंगे, दिव्य। जहाँ जाना कठिन हो तो वहाँ कहेंगे दुर्गम, और जाना सुगम हो तो उसे कहेंगे सुगम। सुगम का हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, दत्तक होता है गोद लिया हुआ पुत्र, दे होता है देने योग्य। ठीक है, जो दो पैरों से चलता है उसे कहेंगे द्विपद। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। शरीर के पीछे घाव को क्या कहते हैं, शरीर के पीछे का घाव उसे कहते हैं पक्षाघात। क्या कहेंगे, पक्षाघात। तो इसे याद रखना थोड़ा। फल देने वाले को कहेंगे फलारी, फलदाई कहेंगे। क्या कहेंगे, फलदाई। फल देन फलने वाला या फल देने वाला, इन दोनों के लिए फलदाई। ठीक है, नेक्स्ट है, जो स्त्री विद्वान हो उसे कहेंगे विदुषी। विद्वान का विलोम क्या होता है, विदुषी होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विलोम नहीं होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो वो बाचाल, जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप कहेंगे मूक, मूक आता है। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ ना, एक क्वेश्चन, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो, और ज़रूर पूछ लिया करो, ऐसा नहीं कन्फ्यूजन को छोड़ा करो मत, इस चीज़ को दिमाग में रखना, क्योंकि कन्फ्यूजन होना, अगर आप पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अच्छा या बुराई के गुण को पहचानने वाले गुण को कहते हैं विवेक, कहते हैं ना विवेक से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निदान और निदान में अंतर स्पष्ट करो। इसमें क्या हो, इसका हो जाए स्थापना और समाधान, समस्या का समाधान ये नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं ये वाला कर दो, ये नहीं होगा, स्थापना और समाधान होगा। नेक्स्ट है, अच्छा देखो ये कल बहुत ही प्यारा कमेंट किया एक स्टूडेंट ने, वो था, वाह सर आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, थैंक्स सर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। थैंक यू राहुल जी इतना प्यार देने के लिए अपना, और ये हमारे रेगुलर यूज़र हैं, रेगुलर देखते हैं हमारी वीडियोज़ को, अतुल जी और सत्येंद्र जी नए सब्सक्राइबर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यशोधरा, यशोधरा तो मैथिलीशरण गुप्त जी की अनामिका, लोगों बताऊँ नीरजा माधवी वर्मा की, और इन्हें या माधवी वर्मा जी की यामा बहुत जरूरी है, इसे याद रखना। मधुबाला, मधुशाला, ठीक है, ये दोनों याद रखना। और हरिवंश राय बच्चन जी पहले वो हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला है, इस चीज़ को भी याद रखना कि सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला, ये बहुत पूछा जाता है, तो वो मिला हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, और आपका अब ये हो जाएगा अनामिका, अनामिका किसकी है, अनामिका हो जाएगी आपकी किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये किसकी हो जाएगी, भारतेंदु, सॉरी ये भारतेंद्र रचन जी की नहीं है, ये किसकी है, अनामिका है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
इसी को याद रखना, वो भारतेंदु जी की ये नहीं है, भारतेंदु जी की जो सबसे अच्छी है वो है आपकी कौन सी, सत्य हरिश्चंद, चंद्रावती, हमीरहट, चंद्रावती, हमीरहट और सत्य हरिश्चंद, ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद जी की। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनकी है अनामिका, कौन सी है अनामिका, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मतवाला, भिक्षुक, माधुरी, अप्सरा और तुलसीदास, ये सारी, और चतुर चमार, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है आजकल, चतुर चमार, ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मुक्त छंद का प्रणेता या क्रांतिकारी कवि। ये कौन है, सूर्यकांत जी, ये मुक्त छंद के प्रणेता या क्रांतिकारी कवि। और एक चीज़ याद रखना, आप याद रखने वाली बात है आपके लिए कि सुमित्रा नंदन पंत, इनकी है चिदंबरा, चिदंबरा। और इसी के साथ प्रेमचंद जी की याद रख लेना, गोदान गबन, प्रेमचंद जी की क्या है, गोदान गबन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मजेदार का क्या होगा, मजेदार का हो जाएगा, ये मजेदार है और ये हो जाएगा बेमजा, बेमजे की चीज़ें, बेकार नहीं हुआ, मजेदार का बेकार नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये क्रॉस चेक कर लिया, ये बिल्कुल सही बताया मैंने आपको, बेमजा ही होगा, मैंने क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो रोका था, ठीक है। तो इसी को याद रखा करो, मैं ना बिल्कुल भी आपको गलत नहीं बताना चाहता, जो हो बिल्कुल फाइनल हो, जिसमें कोई भी डाउट ना रहे। उन्हें इसका हो जाएगा, कौन सी कठोर यातनाएं होती हैं, कौन सी होती हैं, बहुत यातनाएं, बड़ी यातनाएं नहीं, हमेशा यातनाएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, इस चीज़ को याद रखना, कठोर यातनाएं होती हैं, अगर ये याद रहा तो बिल्कुल सही जाएगा आपका, ठीक है। जो सोएगा, जो सो होता है, जो वो नहीं होता, जो वह नहीं होता, जो जो सोएगा वो खोएगा, ये कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम कितने होते हैं, ये होते हैं भैया छः, कितने होते हैं छः। अब बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिल्कुल सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि छह सर्वनाम के नाम लिख देना, बहुत बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से संघर्षी वर्ण कौन सा है, स्पर्श संघर्षी, क्या बोला, संघर्षी नहीं बोला, संघर्षी तो आपके पांचों वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग क्या होते हैं आपके, संघर्षी होते हैं, मगर स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, च वर्ग के होते हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं, च छ ज झ अय्या, इस चीज़ को याद रखना, ये तीनों तो हैं, मगर ये ता है ना, तथा दधन, ये क्या है, दंत है, क्या है, दंत है। और इसी में कौन से आते हैं, ला और सा, ये दो और आते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और च छ ज बताए ना, इसमें चार और याद आते हैं, इन्हें और याद लो, यश ई ई, इसे याद करने की ट्रिक है कि यश की मम्मी ना उसे चम्मच से खिला रही थी तो उसके तालू पे लग गई, तालू से ही तो बोलते हैं इसे, तो चम्मच ना तालू पे लग गई तो ई ई की आवाज़ निकली उसके मुंह से, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बहुत ही ईजी है, देखो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो इसका हुआ है ब्राह्मी लिपि से, तो इसे याद रख लेना, तो ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी लिपि, इस चीज़ को याद रख, हमेशा सही हो। और थोड़ा सा और याद रख लो दिमाग के लिए कि देवनागरी से पहले क्या आएगा, नागरी आएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, देवनागरी लिपि किसमें दे रखा है, ये दे रखा है 343 से लेके 351 तक है ना आपका, तो 351 में दे रखा है कि हम अपने इसकी ना अपनी हिंदी का विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे, इस चीज़ के बारे में दे रखा है। और एक चीज़ बताऊँ आप, आज आपको 43% 2011 की जनगणना के हिसाब से लोग हिंदी बोलते हैं अपने देश में, इस चीज़ को याद रखना आंकड़े को, 43%। और 10 यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अब इसमें आपको अपवाद भी 11 भी मिल जाएगा, तो मगर इसको उतना ज़्यादा दिमाग में मत रखना, मगर इस चीज़ को याद रखना बिल्कुल फिक्स है, ये 43% फाइनल है, इसमें कभी कभी अपवाद दे देता है आपको, मगर 10 के आसपास नहीं देगा आपको, या तो दे देगा कि 12 14, तो आपको जो याद रखना है 10 और 11, इन दो को याद रखना, दो डिजिट को, इन दोनों में से मिल जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट है, अरे ये देखो, कल रबीन जी, ये आजकल हमारी अभी हमसे जुड़े हैं, मेरे ख्याल से आप जैसा एक्सप्लेन कोई नहीं करता होगा यूट्यूब पर, मैं सही प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, तो इन्हें अब लग रहा है कि बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। देखो बहुत सारे लोग ना आपको 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देंगे और एक एक घंटा आपका बर्बाद कर देते, तो मैं वो नहीं चाहता आप लोगों के साथ, तो बिल्कुल आपको सटीक चीज़ें दूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए वीडियो को, और हमारे साथ बने रहिएगा और ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहिएगा। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, पक्के ईश्वर के कोई भक्त नहीं होता, ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऐसे तो हो सकता है, तो इसमें क्या है, शब्द क्रम संबंधी अशुद्धि है, शब्द का क्रम गलत है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, राम का मुख कमल के समान है, तो इसमें क्या बताना है, उपमान क्या है। देखो राम का मुख, ये तो हो गया उपमेय, और इसे किस तरीके से मान लिया, कमल के, ये हो गया उपमान, ठीक है। सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म, और वाचक शब्द क्या हो गया, ये हो गया वाचक शब्द, समान। तो उपमान के ना चार गुण माने गए,
कितने गुण माने गए, चार। तो इन चारों चीज़ों को याद रखना कि पूछ लेता है उपमान के कितने गुण हैं, तो वो केवल इतना ही पूछेगा संख्या बताओ तो चार होती है, नहीं तो निकालने को कहते ना जिससे तुलना करें, कमल से तुलना करें तो उपमान, जिसकी करें तो वो गया उपमेय, और जिस बारे में करें जैसे सुंदरता बता रहे हैं ना तो ये हो गया साधारण धर्म, और वाचक शब्द क्या होगा समान, ठीक है इसी को याद रखना। तो इसमें कौन सा उपमान हो जाएगा, इसका उपमान हो जाएगा कमल, क्या हो जाएगा कमल, ठीक है। तो ये किसके भाग हैं, अलंकार के भाग, अलंकार, अलंकार में कौन सा है अर्थालंकार है, अर्थालंकार में कौन सा था उपमा, उपमा रूपक श्लेष, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा आपने सुना हो, और अनुप्रासमक श्लेष वक्रोक्ति किसका है तो शब्द अलंकार का है, ठीक है इसी को याद रखो। और एक चीज़ और आज आपको बता दूँ, रस को तो कहते हैं काव्य की आत्मा, मगर एक क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि केशव दास ने काव्य की आत्मा कैसे कहा है, तो केशव दास ने काव्य की आत्मा कहा है अलंकार को, तो इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने याद किया कि काव्य की आत्मा रस है तो वो रस पर टिक करके चले जाते हैं, मगर केशव दास के अकॉर्डिंग पूछे तो वो होगा आपका अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, नील कमल और काली मिर्च, नील कमल और काली मिर्च में देखो जहाँ विशेषण विशेष हो, तो ये तो हो गया कमल क्या हो गया विशेष, विशेषण क्या हो गया नील, विशेष हो गया मिर्च और विशेषण हो गया काली, तो इसमें कौन सा है कर्मधारय समास है, कौन सा है कर्मधारय, और ये किसका भाग होता है, ये तत्पुरुष समास का भाग होता है। तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं, छः का, कर्ता और संबोधन दो छोड़ देते हैं, और तत्पुरुष समास में ही क्या आता है द्विक समास आता है, ठीक है, और इसमें दूसरा पद या द्वितीय पद प्रदान होता है, ये है बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रदान होता है। और एक चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि बहुव्रीहि शब्द में, मैं क्या बोल रहा हूँ दिमाग लगा के सुनना, फिर ये मत कहना कि कन्फ्यूजन हो गया सर, शब्द पूछ रहा है कि बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास है, तो वहाँ पे वो कर्मधार है, बहुव्रीहि शब्द के अंदर अगर आपसे समास पूछने बैठ गया तो वो होगा कर्मधार है, इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है कन्फ्यूज मत होना, और हो रहे हो तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता आप लोगों के साथ। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो लेकिन अर्थ अलग अलग आए, देखो जहाँ अर्थ अलग अलग आते हैं तो वहाँ तो हो जाता है यमक, और जहाँ शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और शब्द, या ऐसे समझो जहाँ अलग अलग हो और अलग अलग अर्थ निकले तो वो होता है यमक, और श्लेष कहाँ होता है जहाँ शब्द की आवृत्ति तो एक बार होगी, जहाँ शब्द की आवृत्ति एक बार होगी अर्थ अलग अलग निकलेंगे, तो इसे याद करो कि मोती मानस चून वाला सुना होगा ना आपने कि सुवर्ण को खोजत रत मोती मानस चून, तो मोती मानस चून इन तीनों के लिए सुवर्ण के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ होता है आपका श्लेष। और यमक अलंकार का एग्जाम्पल लिख लो काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो और वो दो बेर खाती थी और दो बेर खाती है, ये भी आपका यमक का एग्जाम्पल है। अनुप्रास में क्या होता है किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, और एक चीज़ याद रखना अनुप्रास अलंकार की ना पांच वेद हैं, ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। गायन अन्वेषण और महर्षि, देखो गायन बताया था ना मैं, जहाँ तीन वर्ण वाले, ऐसे याद रखो जहाँ तीन वर्ण वाले जैसे गायन पावन इस तरीके से कोई आए ना, तो ये सब किस में होते हैं अयादि में होते हैं। अन्वेषण मैंने बताया था ना, जहाँ पे भी य और वा से पहले आधे आधे आ जाएं, क्या आ जाएं आधे आधे, तो आप क्या लगाएंगे इसे यण, वा से पहले आधा आ रहा है ना, आ रहा है यण। और मैंने बताया थी जहाँ पे एक मात्रा आ जाए, ऋषि में कौन सी मात्रा है एक मात्रा है, अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कैसे सर महाधन ऋषि, तो री की कितनी मात्रा बताइए एक, क्योंकि ये किस में आते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं अ ई उ री, चार होते हैं, तो इसकी होती है एक मात्रा, तो ये हो जाएगा गुण। तो किसी भी अगर आपको एक भी आता है ना इनमें से तो आप उसी के आधार पर टिक करके चले आओगे। ये पता था गायन, तो ये इसमें कि भैया गायन पावन इस तरीके से बताया सर ने, तो याद ही होता है, या बा से पहले और या से पहले आधा आता है तो यण, महर्षि से पहले गुण, इस तरीके से कैसे भी निकाल लेना, और फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो पूछ लेना दोबारा, बताने के लिए कभी मनाए नहीं है। जिस क्रिया का समाप्ति निकट भूत या तात्कालिक में हो तो उसे कहेंगे आप आसन्न भूत, जैसे किसी एक चीज़ पर कोई चीज़ डिपेंड हो तो उसे कहते हैं हेतुवेतमत, मतलब अगर राम आता तो हम बाजार जाते, इस तरीके अपूर्ण भूत होता है कंटिन्यूस जो चल रहा होता है, जो मतलब काम खत्म ना हो, मोहन बाजार जा रहा था, ये हो जाएगा पूर्ण भूत। सामान्य भूत होता है राम ने खाना खाया, आज खाया, 10 साल पहले खाया, खाया था ये, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और भूतकाल के होते हैं आपके 6 वेद, वर्तमान काल के होते हैं आपके 5 वेद, और भविष्यकाल के होते हैं आपके, भविष्यकाल के होंगे कौन से 3 वेद, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये सीधे नंबर भी पूछ लेता है कि वर्तमान भविष्य भूत के कितने वेद होते हैं। मेरे मित्र के पिताजी डॉक्टर हैं, इसमें बताना है कि विधेय क्या है। देखो एक चीज़ याद रखना, जो कर्ता वगैरह होता है ना वो होता है आपका उद्देश्य, कर्ता होता है उद्देश्य, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो कर्ता उद्देश्य होता है, विधेय होता है जिसके लिए मतलब जो है, पिताजी क्या है डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा विधेय, और मेरे मित्र के पिताजी क्या होगा उद्देश्य, ये क्या हो जाएगा उद्देश्य, ठीक है।
इसी के साथ ये वाला मैंने क्या बताया आपको, उद्देश्य, और नीचे वाला क्या बताया, विधेय। जैसे राम बाजार जाता है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन पता है क्या हो जाता है कि हम उद्देश्य है कि हमारा बाजार जाना है, मगर उद्देश्य वो नहीं होता, उद्देश्य इसमें राम और विधेय क्या है, बाजार जाता है। ठीक है, इस चीज़ आप आपके जो दिमाग में चलता है ना हमेशा उससे उल्टा कर दिया करो, ऐसे मेरे को भी पहले कन्फ्यूजन होता था इस चीज़ में। ठीक है, तो राम क्या है इसमें, इसका है उद्देश्य, और विधेय क्या है, बाजार जाता है। नेक्स्ट है दांत से कौड़ी पकड़ना, मतलब क्या होता है, अत्यंत कंजूस होना, जो आदमी दांतों से एक एक कौड़ी, कौड़ी पता है क्या होता है, एक चीज़ और बता दूं आपको, जो अभी हम क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रुपया बनने से पहले ना कौड़ी आना और ये बहुत सारी चीज़ें चलती आई हैं, और इसी के क्रम में ना पहले एक बीच में कौड़ी भी चलती थी, तो जो कौड़ी को पकड़ने में जो बहुत ही कम कीमत हो जिसकी, तो उसे भी किससे पकड़ा, दांतों से। तो क्या है, अत्यंत कंजूस होना। हमेशा याद रखना जो मुहावरे होते हैं ना उसके पीछे ना आता है, ना 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 आ रहा है ना, ये ट्रिक है, मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में पूछ लेता है, चार अलग अलग लाइन बना देगा और या सीधे चार दे देगा, उनमें पूछ लेगा कौन सा मुहावरा कौन सा लोकोक्ति है। और ना और किसके पीछे आता है, ये क्रिया के पीछे आता है, खेल में ना लगा दो तो खेलना क्रिया, जिसके पीछे ना लग जाए वो क्रिया हो जाएगी हमेशा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आते हैं, जैसे राम बुद्धिमान और फिर उसके बाद लगा दें है, तो राम की विशेषता बता रहा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं हम विशेष। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक सार्वनामिक, गुणवाचक संख्यावाचक सार्वनामिक, और हो गया आपका परिमाणवाचक। कल लिख के भी दिया था एक स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपकी, आपकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर तो तीन प्रकार की होती है, और अर्थ के आधार पर आपकी कितनी प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर होगी आपकी पांच प्रकार की, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, महाप्राण होते हैं आपका दूसरा और चौथा वर्ग, और पहला किसी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका होगा व्यंजन वो होगा महाप्राण, पहला तीसरा पाँचवा होता है अल्पप्राण। तो देखो ये गा चा ये सब तो पहले हैं, और यार अलावा किस में आते हैं, ये अंतस्थ में आते हैं, अंतस्थ में आते हैं और घोष में आते हैं, इस चीज़ को याद रखना। और ये ख छ यार ना, क के बाद खा रहा है, च के बाद छ रहा है, ट ठ त थ यार ना दूसरे दूसरे या चौथे या दूसरे कोई मिलते हैं ना, वो आपके महाप्राण होते हैं। और अघोष कौन से होते हैं, अघोष होते हैं आपके पहला दूसरा किसी भी वर्ग का, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, ये घोष होता है। नेक्स्ट है, अब देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया था, तो वो था सबल का शोषण नहीं होता, ये था क्वेश्चन कि पत्थर पर जोंक नहीं लगती, तो इसका आंसर होता है कि हड्डी पर कोई असर नहीं होता, पत्थर पर जोंक न लगने का मतलब क्या होता है, हड्डी पर कोई असर नहीं होता। आपको हिंदी में कभी भी कन्फ्यूजन हो तो 24/7 कभी भी कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और एक और डाउट था रविंद्र जी का, ये था कि इसमें अब चला जाए और राम से खाया नहीं जाता, इन दोनों में कौन सा भाव है। देखो मैंने बताया था ना, जहाँ से आ जाए वहाँ तो आपका क्या होगा, भाववाच्य होगा, और अब चला जाए इसमें कर्म तो है नहीं, अकर्मक है, तो इस तरीके से भी निकाल लेते, मगर अकर्मक और सकर्मक तो किस में हो सकता है, आपका कृतवाच्य में भी हो सकता है, मगर इसमें क्या है आपका भाववाच्य, इस तरीके से दिमाग में रखो। ठीक है, अब चला जाए। इसी के साथ और एक ही हमारे शाहिद अंसारी जी हैं, ये हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, तो थैंक यू अंसारी जी दिल से इतना सपोर्ट करने के लिए। अच्छी लगी हो वीडियो और क्वेश्चन समझ में आए हो, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे ना मोटिवेशन मिल सके अंदर से, नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने का, आपके लिए खोज खोज के पढ़ने का। क्यों, देखो जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे उतना मैं भी चाहूँगा कि आप लोगों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं आपसे बीच वीडियो में नहीं कहना चाहता, और ना ही मैंने इस वीडियो में कोई ऐड लगाए जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी हो वीडियो देखने में, तो सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो और एक प्यार सा कमेंट कर दिया करो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लिया करो। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।